आप इसे घर पे बनाओगे ना तो आपको भी मेरी तरफ बहुत अच्छा लगेगा। अगर बढ़िया लगे ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो ये है वो ज़बरदस्त बर्फी। मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पे मैंने इसको आपको खा करके बताया है। आइए इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने ये डेजी कटेड कोकोनट पाउडर एक बाउल, उतना ही मैंने मलाई वाला दूध लिया है और उससे थोड़ा कम शुगर लिया है। ये शुगर है लगभग 125 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है रोज एसेंस और ये मैंने लिया थोड़ा सा फूड कलर गुलाबी कलर का, और ये लेंगे हम अमूल मिल्क पाउडर। अमूल मिल्क पाउडर हम ये एक बड़ा चम्मच लेंगे। तो आप देख रहे हो ये एक बड़ा चम्मच है और बस इतना ही हम अमूल मिल्क पाउडर यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। जब भी मिठाई बनानी हो ना कोई झटपट में तो मैं इसे घर पे रखती हूँ और ये लगभग 150 से 200 रुपए में आ जाता है और मिठाई बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो अभी हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा इलायची पाउडर। सबसे पहले गैस पे एक पैन टिकाएंगे और पैन में डालेंगे ये डेजिकेटेड कोकोनट का बूरा। इसको हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसको मैं एक मिनट तक ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। एक मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मलाई वाला दूध और अब हम इनको मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तब तक हम इनको इसी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे गाढ़ा होने तक। आप देख सकते हो दूध जो है वो बिल्कुल, मलाई जो है वो जल चुकी है, उसका मावा बन गया है, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं अपने ये मिल्क पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर ऐड होने के बाद में, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी, दाना चीनी या आप शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये फटाफट में बच जाएगी। तो देखिए मिल्क पाउडर ऐड हो गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। तो अब हम डाल देते हैं दाना चीनी, तो ये मैंने शुगर डाल दी है और इसको भी अब हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी का जैसे ही पानी बनेगा तो उसको चाशनी होने तक यानी गाढ़ा होने तक हम फिर इसको पका लेंगे। जब तक ये चाशनी गाढ़ी होती है तब तक हम इसको पका लेते हैं। जब तक हमारी गाढ़ी होती है तब तक मैंने ये एक पैन लिया है और इसको मैंने इस तरह से चिकना कर दिया है। तो हम थोड़ा सा जो भी हम बर्तन लेते हैं, टिन लेते हैं, केक टिन में भी आप इस बर्फी को जमा सकते हो। मैंने ये प्लास्टिक का बाउल लिया है और इसके अंदर मैं बर्फी जमाने वाली हूँ। तो इसका जो तला है उसको चिकना कर लिया है। अब हमारा बिट गाढ़ा हो रहा है तो मैं इसके अंदर डाल दी हूँ रोज एसेंस। ये मैंने थोड़ा रोज एसेंस डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके और लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और जो पैन ने इसको ना छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, इसको थोड़ा सा बैटर लेकर के आप इस तरह से देखिए ये ऐसे बन रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आधे बैटर को किसी पैन में डाल देंगे, जो पैन हमने तैयार किया है उसको। तो एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद करके और इसको हम ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए आप बैटर को इस तरह से उठाइए और इस तरह से इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, फिर इस तरह से इसको उठाइए, इस तरह से थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिए ताकि हमारे पैन में अब हम इसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर आधा बैटर हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं और इसको मैं स्क्वायर शेप में करूँगी तो इसका हम बारीक बारीक स्क्वायर शेप में हम इसको फैला देते हैं।
फैला दिया है, ठीक है। हमारी एकता यहाँ पे तैयार हो गई है। इसको साइड से आप इस तरह से स्क्वायर में कर लें ताकि आपकी बर्फी ना बिल्कुल स्क्वायर में कटिंग होगी। देखिए पलटा लीजिए इसको इस तरह से, इस तरह से, इस ओर से, फिर लास्ट में आप जो कॉर्नर साइड है इस ओर से इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको बना देंगे। तो आपने देखा कितना बढ़िया स्क्वायर शेप आ गया इसका, और फिर इसको बिल्कुल बराबर के अंदर सेट कर लेंगे। तो इस तरह से नॉर्मली घर के सामान से भी हम हर बना सकते हैं, हर चीज़, हर मिठाई। ये तैयार हो गया हमारा एक कलर, वन कलर, और अब हम इसका सेकेंड कलर तैयार करते हैं। के अंदर थोड़ा सा दूर है, इसके अंदर हम बिल्कुल हल्का सा कलर डालेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे और इस बैटर के अंदर हम मिला देंगे। अब एक मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो इसकी सहायता से हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं। और ये डबल कलर की बर्फी आपको भी बहुत पसंद आएगी और घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि इसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो आपकी बर्फी भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और आप देख सकते हो डो बिल्कुल से तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर भी आया इसका और बहुत ही बढ़िया ये तैयार भी हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को जो पहले वाला वाइट डो था ना उस पर फैला देंगे। बहुत ही सरल तरीका है। तो अब हम ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाला डो है, इस पे हम इसको इस तरह से फैला देंगे। यही पलटा लेंगे और इस पलटे की सहायता से बिल्कुल बराबर में हमें इसके चारों ओर इसको फैला देना है। बहुत इजीली काम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको फैला देते हैं, इस तरह पलटा लगाएंगे और इसकी कॉर्नर्स को हम इस तरह बना लेंगे। पलटे की सहायता से साइड्स पलट पलट के आप इसको स्क्वायर में बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सीट ये तैयार होगी है ना मिठाई की। इसी तरह से आप भी बनाइएगा अपने घर पे, बहुत ही बढ़िया आपकी सीट बनेगी और बहुत ही बढ़िया आपकी मिठाई भी बनेगी। दिखने में भी ये बहुत बढ़िया दिख रही है, खाने में भी बहुत लाजवाब होगी। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, घर की चीज़ खाएं। तो ये तैयार हो गई है सीट, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह से पलटी को इस तरह से चारों ओर आपको लगा करके और जो ऊपर वाला ना इस तरह से इसको बराबर कर लेना है। तो आपकी इस ये स्क्वायर में सीट बन जाती है। किसी भी बर्तन में आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई संचा या कोई टिन ही हो, कोई मोड ही हो, ना हो तो भी अच्छे से हम बना सकते हैं बिना मोड के भी। तो ये तैयार है। आप चाहो तो इसको किसी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही बर्फी बना रही हूँ आज। तो इसको हमने फ्रिज में रख देना है। तो ये बिल्कुल से तैयार है, बिल्कुल से जम चुके हैं। तो अब आप चाहे तो इस पर बर्फ लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने वर्क लगा दिया है। देखिए इस तरह से वर्क का पेपर आता है, ये वाला हाफ मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये जो हाफ है इसको हम इस तरफ लगा देते हैं। इस तरह से आप वर्क की भी बना सकते हो और बगैर वर्क भी बना सकते हो। इस तरह से वर्क के पेपर्स आते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल से इस तरह से, ये मार्केट में 5 से 10 रुपये में मिल जाते हैं। लगभग 10 रुपये लगते हैं एक वर्क के। तो आप चाहे तो इस पे साड़ी पे वर्क लगा सकते हो, पर मैं साड़ी पे नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
और आप चाहे तो इसको ड्राई फ्रूट्स से गार्निश भी कर सकते हो। तो हम इसको पहले कट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ना बर्फी बन करके तैयार हुई है। तो अब मैं आपको इसको एक पीस निकाल करके बताती हूँ। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेंगे और हम इस पर गार्निशिंग कर देंगे इनको। तो लीजिए हमारी बर्फी तैयार है। अब हम इसे किसी भी गेस्ट को दे सकते हैं। अब मैं आपको एक बर्फी को उठा करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी है। ये देखिए टू कलर्स के अंदर कितनी बढ़िया बर्फी बन करके तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।